नरसिंहपुर जिले के सदर मड़िया परिसर में गुरुजी संयुक्त मोर्चा संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना आंदोलन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी भेंट किया, जिसमें उनकी मांगों के शीघ्र निराकरण के लिए अपील की गई। उस घोषणा को स्मरण कराने के लिए फिर सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर गुरुजी संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश के मुखिया के नाम ज्ञापन जारी किया है, उन्हीं घोषणा को याद दिलाया, वहीं ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया। नरसिंहपुर गुरुजी संयुक्त मोर्चा संघ के संयोजक विजय श्रीवास्तव ने बताया कि भोपाल में अध्यापक सम्मेलन समारोह में सीएम हाउस में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि आज नियुक्ति के समय से गुरुजी सर्व शिक्षकों को वरिष्ठता का दर्जा दिया जाएगा, परंतु आज दिनांक तक हमको वरिष्ठता का दर्जा नहीं मिला। हम कई बार ज्ञापन और धरना दे चुके हैं, इसके लिए आज हमने माँ शारदा की पूजा अर्चना की है, जिससे माँ शारदा माननीय मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि प्रदान करे और उनकी घोषणा का स्मरण कराए। अगर गुरुजी शिक्षकों को वरिष्ठता का दर्जा प्राप्त नहीं होगा तो वे भोपाल में जाकर उग्र आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। कि हम रोज स्कूल जाएंगे और बच्चों का हित बिल्कुल नहीं करेंगे और न हम बच्चों का हित करना चाहते, क्योंकि 3 सप्ताह हो गए हैं और हम रविवार के दिन ज्ञापन स्मरण रैली जो निकाल रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि मेरे प्यारे भैया, आप हमारे सबको बहने मानते हो और आपने सबको सब कुछ दिया है, फिर हमसे ऐसा बैर क्यों? मेरे प्यारे भैया, ये सब हम नहीं करना चाहते। आपने जो हमें देने का वादा किया है, तो हे जगत माता जगत जननी, हमारे भैया को सद्बुद्धि दे दो और वो जल्दी से जल्दी हमारी वरिष्ठता जो है वो दे दें, क्योंकि एक बहुत लंबा समय हो गया है, 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार से हमारी एक ही मांग है, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, क्योंकि हम सभी गुरुजी 1997 से शिक्षण कार्य करा रहे हैं, लेकिन सरकार का भेदभाव पूर्ण रवैया ऐसा रहा है हम लोगों के साथ कि आज भी हमारी वेतन कम है और जो हम लोगों के जूनियर शिक्षक हैं जो भी हों, उनकी वेतन, उनकी क्रमोन्नति, उनकी वरिष्ठता उन्हें प्रदान कर दी गई है, जबकि हम लोग व्यापम से पास सर्टिफाइड गुरुजी हैं और हम लोगों को वो सुविधाएँ या जो हमारा हक है वो सरकार ने नहीं दिया है। तो आज भी वर्षों की तरह उसी तारतम्य में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने के लिए, ज्ञापन पत्र सौंपने के लिए आए हैं और अपना संदेश फिर से उनको देना चाहते हैं कि हमारी वरिष्ठता हमें प्रदान की जाए। 2018 में मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी कि गुरुजियों की वरिष्ठता प्रदान की जाएगी, ऐलान किया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया। इतना लंबे समय से आप प्रयास रहते हैं सारे गुरुजी संघ के माध्यम से, परंतु नहीं हो रहा, इसका मेन कारण क्या है कि वरिष्ठता नहीं मिल रही? कहीं ना कहीं सरकार ध्यान नहीं दे रही है इस मामले में और जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं ऊपर, तो कहीं ना कहीं कागजी उलझन के कारण ये सब हम लोगों की वरिष्ठता में अड़चने आ रही है। क्या कहेंगे आप, एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने स्टेज पर खड़े होकर घोषणा की और फिर आज तक आप लोगों को वरिष्ठता नहीं मिली और आप भटक रहे हैं? इस मामले में निवेदन कर रहे हैं हम लोग लगातार मुख्यमंत्री जी से, पहले भी किया था 2018 से लगातार कर रहे हैं हम लोग, ये ज्ञापन के माध्यम से उनसे मुलाकात करते हैं और इस बार भी यही प्रयास किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में, आज का ये कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में एक साथ है। नरसिंहपुर से दोपहर न्यूज़ के लिए चंद्रशेखर मालवीय की रिपोर्ट।